पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं और राजस्थान में पानी की किल्लत आज से नहीं सदियों से बनी हुई है। वहीं अगर दोसा की बात की जाए तो यहाँ पानी सफेद हाथी बन चुका है और इसी पानी के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला दौसा जिले के लालसोट तहसील के डिडवाना पीली खाना का है जहां आज महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। महिलाएं घड़े लेकर सड़क पर बैठ गईं और यातायात को बाधित किया गया। ग्राम पंचायत डिडवाना के वार्ड नंबर 15 की नाड्या वाली धानी में रविवार जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने दौसा सिवाय माधोपुर रोड पर जाम लगा दिया, जहां स्थानीय निवासी मुकेश शर्मा ने बताया कि जलदाय विभाग की तरफ से लगाया गया लाइनमैन पानी की सप्लाई खोलने में भेदभाव करता है। पानी को लेकर समस्या चल रही है, करीबन 5-7 दिन हो गए तो पानी नहीं आ रहा है मोहल्ले में। पानी नहीं आ रहा जिसे लेकर लेट जो द्वारा रोड जाम के वो करने पर दयन साहब यहाँ पे पधारे तो दयन साहब की समझाइश के बाद में लेडीजों ने रोड को खोल दिया गया। कितने दिन से परेशानी है? करीबन 7-8 दिन हो गए। क्या मानते हैं आप इसमें? इसको मानते हैं हम जल विभाग की लापरवाही, जलदाय विभाग की लापरवाही, जलदाय विभाग की लापरवाही मानते हैं। जलदाय विभाग क्या समय पे जल सप्लाई नहीं खोलता? समय पे जल सप्लाई नहीं खोलता है, लोकल का व्यक्ति लगा रखा है नल खोलने के लिए तो उसकी तरफ खोलता है उसको, जो ना कि पूरे वार्ड में खोलता है नल। जाम लगाने से पूर्व आपने जलदाय विभाग को सूचना दी? जाम लगाने से पूर्व मेरे द्वारा जलदाय विभाग को सूचित किया गया, पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, मैं उसको पत्रकार जी को सूचित किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के JEN जालंधर मीणिया मीडिया से बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि यहां के लोग पानी के लिए आए दिन परेशान होते हैं, आखिर जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ क्यों है, तो मीना कैमरा से बचते हुए नजर आए और उन्होंने कैमरा के सामने कुछ भी नहीं बोला। जयन साहब कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है यार? अरे भाई एक मिनट रुको यार, आपका जवाब बनता है इस चीज का? 8-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बोलो कम्प्लेन। 8-8 दिन से पानी नहीं आ रहा, नल खोलने वाला डायरेक्ट मोटर चला के खुद गिर रहा, टंकी में एक बूंद पानी नहीं जा रहा। आपने इस बारे में जलदाय विभाग को शिकायत की? कई बार इनको फोन करके बता दिया, कई बार बता दिया, जलदाय विभाग के द्वारा आपको जवाब दिया। 8 दिन से पानी नहीं आ रहा, हम रोड पे जवाब दीजिए जयन साहब। अरे तू खाए तो जयन साहब जवाब दीजिए फटाफट। क्या कारण रहा है? वो वाल खराब बता रहा है। वाल खराब बता रहे कब से? अरे अभी तो हटा यार। जलदाय विभाग की लापरवाही को छिपाते हुए वाल्व खराब होने की बात कहकर JEE ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं लालसोट पुलिस प्रशासन ने महिलाओं की समझाइश कर जाम तो खुलवा दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान कब तक हो पाता है या फिर पानी के लिए लालसोट वासियों को और संघर्ष करना पड़ेगा। पंजाब की सीटीवी के लिए दौसा से अचिन पांडे की रिपोर्ट।